हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जूनियर असिस्टेंट क्लर्क एंड AG3 की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। फ्रेंड्स, ये ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दोनों ही कैटेगरी के लिए इसमें आपकी वैकेंसी आई है। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो अगर आप भी इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में मैं डिस्कस करने वाले हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको प्रीवियस ईयर की कटअप भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले बता दिया है, यूपी ट्रिपल एससी की रिक्रूटमेंट आई है। मतलब यूपी ट्रिपल एससी मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन बोर्ड। इसके तहत आपको ना यूपी में जो भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, सारा रिक्रूटमेंट कराया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको जूनियर असिस्टेंट क्लर्क एंड AG3 यानी असिस्टेंट ग्रेड 3 की रिक्रूटमेंट आई है 2023 के रिगार्डिंग। टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका पोस्ट यहाँ पे 3831 सीट्स के लिए वैकेंसी आई है। कैटेगरी वाइज सीट्स देखें अगर कि जनरल OBC SST का क्या क्या सीट रहने वाला। जनरल के लिए 1889 सीट्स, OBC के लिए 326 सीट्स, EWS के लिए 763 सीट्स, SC कैंडिडेट्स के लिए 770 सीट रखी गई है, ST कैंडिडेट्स के लिए 83 सीट्स पर ये रिक्रूटमेंट आई है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके डेट की रिगार्डिंग, कि ये फॉर्म आपका कब से स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट क्या रहने वाला है। तो फॉर्म आपका ऑलरेडी स्टार्टेड है 12th of September 2023 से। लास्ट डेट टू अप्लाई आपका रहने वाला है 3rd of October 2023। आपको 3 अक्टूबर का वेट नहीं करना है कि 3 अक्टूबर है अभी टाइम है तब तक आराम से फॉर्म अप्लाई करेंगे। नहीं, अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, इलिजिबल हो, जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दो, क्योंकि बाद में फिर सर्वर इशू होता है तो वो आपको फेस ना करना पड़े। रही बात फॉर्म की फ़ी की, तो यूपी गवर्नमेंट की जो भी फ़ी होती है उसमें बहुत कम लिया जाता है। ऑल कैटेगरी कैंडिडेट से 25 रुपीज़ है यहाँ पर फॉर्म का फ़ी लिया जाएगा। एज लिमिट देखें अगर, तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st of July 2023। मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स आपका एज लिमिट रखा गया है। रिलैक्सेशन भी मिलेगा, OBC एंड SC ST सबको मिलेगा 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। तो आइए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है फॉर्म अप्लाई करने का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखें, सबसे पहले आपका 10+2 पास आउट अगर आप हो इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से, डजेंट मैटर क्या परसेंटेज है, आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का एग्ज़ाम दिया था तो उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। थर्ड होता है आपका टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड्स पर मिनट के लिए रहेगा, इंग्लिश टाइपिंग रहेगी आपको 30 वर्ड्स पर मिनट के लिए। इसके साथ NIE LIT से आपने CCC एग्ज़ाम पास कर रखा है या इसके इक्विवेलेंट आपके पास है डिग्री, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, फिर होगा DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन जाके आपका होता है मेडिकल। तो चलिए मैं आपको एग्ज़ाम की पैटर्न एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर आपका फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन का पेपर होगा 100 मार्क्स के लिए। टाइम मिलेंगे आपको 1 आवर एंड 30 मिनट्स के। निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 यानी कि 0.25 का। सब्जेक्ट वाइज बता दूँ आपको, सेक्शन वाइज कितना क्वेश्चन कितने कौन से सब्जेक्ट का पूछा जाएगा। हिंदी कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए।
जनरल इन्फॉर्मेशन के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर से आपको 15 क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स के लिए। सबसे लास्ट टॉपिक होता है यूपी का स्पेशल जीके, इससे आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए रहने वाला है। सो आई होप कि एग्जाम पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम क्लियर करोगे उसके बाद टाइपिंग निकालना होगा, फिर होगा आपका डीवी मेडिकल, उसके बाद मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। तो ज्वाइनिंग लेटर के बाद सैलरी क्या मिलेगा मैं आपको अभी बता देती हूँ। आपको यहाँ पे फ्रेंड्स लेवल 3 की सैलरी मिलने वाली है 21,700 रुपीज से 69,100 रुपीज तक आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। तो सैलरी भी आप समझ गए होंगे, तो अब तैयारी कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर की आपको कट ऑफ बता देती हूँ। प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी, आपको कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल के लिए 42.23 गया था, ये आपको 2019 एंड 20 का है ये कट ऑफ। ओबीसी का 42.23 था, एससी के लिए 40.82, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 33.61, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली के लिए 40.49, एक सर्विसमैन का 31.19, पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए 39.40, फीमेल्स का ना एक अलग कट ऑफ गया था 43.40। ये कट ऑफ आपने देख लिया, बट अभी के समय में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ये कट ऑफ मुझे बहुत कम लग रहा है। तो आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना होगा, प्रीवियस ईयर के सेट लगाने होंगे, साथ ही साथ न्यू सिलेबस को देखते हुए अपनी तैयारी करो, और जो एक्सपेक्टेड पेपर दिया जाता है ना वो आप ज़रूर बनाओ, मॉडल पेपर वगैरह। उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको खुद में पता चलते रहेगा कि आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो, तो उसको आप खुद में सुधार करके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो आई होप कि मैंने जो आपको डिटेल बताया है यूपी ट्रिपल एससी की न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर उसे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए, कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे आके पूछ सकते हो। अदरवाइज इस जो जॉब रिक्रूटमेंट है इसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल सबका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में पता चल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, ताकि सारी फ्रेश गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले आप सभी तक आए। मिलूंगी फिर से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।